अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो कि रेशमी कबाब की बन रही है। ये मैंने मटन से रेशमी कबाब बनाए हैं। आप चाहे तो चिकन के भी बना सकते हैं या बीफ के भी बना सकते हैं। मीट आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे आप अगर चिकन के बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और मीट आपको बारीक, बिल्कुल बारीक पिसवा लेना है, मशीन से 2 से 3 मरतबा निकाल लेना है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने लिया है मटन का मीट, 1 किलो लिया है, और बिल्कुल बारीक वाली मशीन से निकलवाना है आपने, वरना जो है गोश्त आपका अगर सही नहीं होगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। 1 किलो मीट में मैंने 20 से 30% चर्बी डाली थी। चर्बी आपने क्यूब्स वाली लेनी है, जो जमी हुई होती है ना, पट्टे वाला गोश्त नहीं लेना है। और ये मैंने लिया था 1 पाव मैंने ली थी प्याज, ये प्याज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे हरा धनिया, 2 से 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा अंदाजन। थोड़ा सा हरा धनिया डलेगा, बहुत ज़्यादा हरा धनिया नहीं डलेगा। और इसके बाद हम लेंगे 5 से 6 मोटी वाली हरी मिर्चें, ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं टेस्ट के हिसाब से अपने। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप लहसुन अदरक डाल दीजिएगा, चाहें तो पेस्ट भी डाल दें अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। ये सारी चीज़ें आप मीट में तलवा के मशीन पे भी पिसवा सकते हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स डालिएगा आप, और मशीन पे बारीक मशीन में पिसवा लीजिएगा 2 से 3 मरतबा, ताकि वो बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप हो जाए हमारा कीमा। ये देखिए मैंने घर में भी चॉप कर लिया है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मोटा सा चॉप हुआ था। बिल्कुल मोटे कीमे के अच्छे कबाब नहीं बनेंगे। आपने बिल्कुल फ़ाइन बारीक सा कीमा पिसवाना है। ये देखिए अच्छे से हो गया है, या आप इसको और पीसना चाहे तो बिल्कुल हमें बारीक सा करना है। इसके बाद हम डाल देंगे ड्राई स्पाइसेस, ये हमने लिया है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये टीस्पून है मेरा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये। और इसके बाद हम लेंगे ज़ीरा पाउडर, ये पाउडर बना लीजिएगा, मैंने कूट लिया था। पाउडर बना के 1 टीस्पून ये भी डाल लीजिएगा। ये है वाइट पेपर, दखनी मिर्च जिसको कहते हैं, ये भी आप ले लीजिएगा भर के 1 टीस्पून। 1 kg कीमा है, लेकिन चर्बी के साथ 1 kg आपने करना है, 20 से 30% चर्बी भी मिलानी है। ये ले लिया है मैंने सॉल्ट, ये भी 1 टीस्पून लिया है, या आपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सब चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे दोबारा से चॉप कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ और बहुत ही मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आ जाए। ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब लगते हैं, और आप चिकन के बनाएंगे तो और ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ़ाइन सा पिस जाएगा अच्छी तरीके से। बीफ पीसने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो अच्छे से पिस जाता है। ये देखिए ये अच्छे से पिस गया। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बड़े बर्तन में, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से मसल सकें और मल सकें। जितना आप मलेंगे सारे कबाब का, यही तरीका है कि आप जिस इनको जितना मलेंगे उतना ही ये शाइनी और मज़ेदार से कबाब बनते हैं। और मीट भी बहुत मैटर करता है, मीट बहुत ही रूखा कीमा लेना है, बिल्कुल उसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए। और चर्बी जो आपने अलग से डालनी है वो सॉफ्ट वाली चर्बी डालनी है, जो बिल्कुल मैश मेल्ट हो जाती है फ्राई करने के बाद, वो वाली आपने चर्बी लेनी है। पट्टे वाला गोश्त बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपके कबाब जो है टेस्टी नहीं बनेंगे। जब तक हमारा 20 से 30 मिनट के लिए मीट हम मलेंगे, जब तक हम बना लेते हैं अपनी हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए 2 मैंने ली हैं मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कम तेज़ होती हैं। इसके बाद आधी गड्डी मैंने ले लिया है धनिया, और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 छोटे साइज़ की प्याज, और 1 से 1.5 जवा हमने डाला था लहसुन का, ये मैंने 2 पीस कर लिए हैं, लेकिन 1 बड़ा वाला जवा था। उसके बाद पुदीना हम डालेंगे 10 से 12 पत्ते ले लीजिएगा आप। इसके बाद सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को डाल के हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी। आप वैसे भी बारबेक्यू आजकल हो रहा है बकरीद की वजह से, तो आप ये चटनी बना के रख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी ये बनती है। और इसमें खटास के लिए हम डाल देंगे इमली। इमली को आप पानी में भिगो के रख लीजिएगा, फिर इसके जो सीड्स हैं वो निकाल दीजिएगा, क्योंकि मशीन में सीड्स जो हैं वो चलेंगे नहीं, आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है किसी भी चीज़ में, चॉपर में या ग्राइंडर में। ये देखिए मैंने
इमली को अच्छे से पानी में भिगो लूँगी और इसके सारे ही सीड्स जो हैं वो रिमूव कर दूँगी। बाकी जो गूदा पल्प जो बचेगा वो हम ऐड कर देंगे अपनी चटनी के अंदर और फिर इसे अच्छे से जो है वो चॉप कर लेंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो बहुत अच्छी सी फाइन सी हमें मिल सके और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए सब चीज़ें मिक्स करके। ये हमारी चटनी जो है रेडी हो जाएगी। ये आप राइस वगैरह के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। बिल्कुल टाटरी वगैरह नहीं डालिएगा, बाहर वाले रेस्टोरेंट वाले तो इसमें टाटरी डाल देते हैं, तो आप या तो इमली डाल दीजिएगा या तो फिर आप हरा सा टमाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी होती है। देखिए मैंने निकाल ली है सारी बाउल के अंदर, चटनी हमारी रेडी है। और इसके बाद ये देखिए हमारा मीट भी रेडी हो गया है। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें, उसके बाद आप बनाइएगा वरना आपके कबाब जो है वो गिरने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, सही से स्टे नहीं करेंगे हमारी सीखों के ऊपर। तो आप इसे 1.5 घंटे तक फ्रिज में रख लीजिएगा, मलने के बाद 15 से 20 मिनट तक लाजमी मलिएगा वरना आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। और जब ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो ये स्टे करेंगे आपकी सीख के ऊपर। आप ये सीख पे लगा के ये अच्छे से जो है वो इनको शेप दे लीजिए, उसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सारे बना लीजिए इस तरीके से। उसके बाद निकाल के आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, तो वो आराम से आपके चल जाएंगे ब्रेकफास्ट में लेने के लिए। नाश्ते में अच्छे लगते हैं पराठे के साथ या राइस वगैरह साथ, प्लेन राइस बनाए तो उसके साथ या पुलाव के साथ ये आप रख सकते हैं। देखिए हमारे कबाब जो है वो रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से आप सीख में जो है इसे लगा लीजिए और ये आप रखते जाइए, सारे ही इस तरीके से बना लूँगी मैं। ये देखिए मैंने आपको बना दो आपको सीखे बना के दिखा दिए, इसी तरीके से आप सारे ही मीट के बना लीजिए या फिर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बना के फ्रीज़ कर लीजिए, ये बहुत ही आसानी से फ्रीज़ हो जाते हैं। ये देखिए इसको थोड़े से चपटे चपटे से बनाइएगा, गोला कबाब की तरह या सीख कबाब की तरह नहीं बनेंगे, ये रेशमी कबाब हैं तो ये थोड़े चपटे चपटे से बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा लुक आया है इनका और बहुत अच्छे से स्ट्रे हो गए हैं। आप ज़रूर इसको 1 से 1.5 घंटा रखिएगा, भी सारे कबाब बना के फ्रीज़ कर लीजिएगा। अब हम इसको कर लेंगे फ्राइंग, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ इस तरीके से रख के आप इसे कोयलों पे भी सेक सकते हैं, बारबेक्यू में ज़्यादा मज़ा आएगा। इस पर हल्का हल्का सा ऑयल जो है लगा कर उसे बारबेक्यू कर लीजिए, बारबेक्यू का तो टेस्ट ही अलग है, उसमें स्मोक भी अच्छा आ जाता है। तो या तो आप घर में बना रहे हैं तो ये आप पैन में फ्राई कर लें, बहुत ही 2 से 3 टेबल स्पून आप ऑयल डालें इसमें, आप अपने कबाब जो है वो रख लीजिए 1 by 1 करके। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से कबाब बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है और मज़ेदार भी है। इसी तरीके से हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आप कोयले पे बारबेक्यू कर रहे हैं तो हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो ब्रश कर दीजिएगा, वरना ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगेगा और बहुत ही मज़ेदार से आपके कबाब बनके रेडी हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक कम से कम मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा इसी स्टेज पर। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट निकलेगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। और मेरे चैनल पे जाके बकरा ईद से रिलेटेड और भी रेसिपीज़ आप देखिए, माशाल्लाह से आपको काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ये देखिए मैंने इन कबाबों को ट्रेंड कर दिया है क्योंकि ये एक साइड से हो गए हैं, ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं है, बिल्कुल इन पे सॉफ्ट सा कलर आता है। पैन में तो फिर भी कलर आ जाएगा इसमें क्योंकि हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, लेकिन बारबेक्यू में बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, इसका टेस्ट ही बहुत ही मज़े का होगा। ये देखिए हमारे कबाब जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कम से कम 5 to 7 मिनट्स आप जो है इसे फ्राई कीजिएगा मीडियम फ्लेम पर, तो आपके अच्छे से कबाब अंदर तक से सिक जाएंगे क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब होते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं सीखने में। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत मज़ेदार सा आया है और बने भी बहुत मज़े के थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी बहुत ही इजी से खा लेते हैं और इसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई से भी मीट से आप बनाइए या आप ऑप्शनल है मीट, आप कोई भी चूज़ कीजिए। माशाल्लाह से ये देखिए कितने मज़ेदार से कबाब हमारे रेडी हैं। थोड़े से हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, प्याज के लच्छे और हरी चटनी से हम इसे सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। आप चाहें तो इसके साथ पराठा भी ले सकते हैं, पूरी पराठा
अगर बारबेक्यू हो रहा है तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी। पर जितना आप मसलेंगे, आटे की तरह गूनेंगे, उतने ही ये सॉफ्ट और सॉफ्ट कबाब बनेंगे। बिल्कुल लाइट वेट जो कबाब होते हैं बाहर की तरह, उसी तरीके से ये बनेंगे। लेकिन आपने मीट बहुत साफ़ सुथरा सा रूखा मीट लेना है और चर्बी जो है अलग से ऐड करनी है, लेकिन पट्ठे वाला गोश्त बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना आपके कबाब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बस यही टिप्स थी इन कबाबों के लिए। हर कबाब की यही टिप्स होती है कि उसको मलना लाजमी होता है। ओके जी, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।